हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। न्यू मलवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। हाँ जी बच्चों, आज हम लेसन नंबर 7 सहित इसका पेज नंबर 44 और 45 पढ़ेंगे। हाँ जी, सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियारों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उसके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 की शाम राम प्रसाद बिस्मिल और अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, विश्मल और उसके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी तिजोरी लूट ली। छिपते छिपाते वे लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। मुकदमा चला, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंजते हैं। सर्व पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हाँ जी, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माताजी को जो पत्र लिखा था 16 दिसंबर 1927, हैजाबाद जेल। पूज्य माताजी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों से माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय धड़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद विश्मल। हाँ जी बेटा, आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। आगे वाला जो चैप्टर रह चुका है इसका, जो बाग वो अगली वीडियो में आएगा। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।